नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर सतना जिले से है, जहां 9 मार्च को दोपहर 3 बजे ग्राम महेंद्र, मतवारा, परसवारा, सिमरा सहित कई अन्य गांव में ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें बुरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिसको लेकर मैहर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनीष पटेल किसानों के बीच पहुंचकर हल्का पटवारी के साथ खेतों का निरीक्षण किया और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना के तहत जो बैंक काटती है उसे उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें, जो फसल का नुकसान हुआ है उसमें उचित मुआवजा दिलाया जाए, इस चीज में अनदेखी ना हो। बता दें, 10 से 12 गांव में इस तरह की आपदा का किसानों को सामना करना पड़ा, जिससे किसानों की आधी फसलें चौपट हो गई हैं और इसका सरकार और बैंकों द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पटवारियों द्वारा खेतों में पहुंचकर निरीक्षण किया गया है और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। तो फसल का जो बीमा का पैसा बैंक काटती है, मैं चाहता हूँ वो उचित मूल्य किसानों को मिले। उसमें ये बात नहीं आना चाहिए कि पूरे में नुकसान नहीं हुआ या कम में नुकसान हुआ, क्योंकि हर किसान अपनी राशि कटवाता है अपने खाते से, तो बैंक को भी इसमें देना पड़ेगा, दूसरा सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो खड़ी फसल का नुकसान हुआ है और ओले गिरे हैं, प्रत्येक किसान की जवाबदारी है और हमारे जैसे लोगों की जवाबदारी है कि मिल के इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, किसी में अनदेखी ना हो। और निवेदन हम करने आए हैं किसानों से कि भाई, अगर पटवारी साहब हैं, ग्राम सेवक जी हैं, सब हैं, खेत खेत जा रहे हैं और उन्होंने बोला भी है, गजेंद्र सिंह जी ने बोला है, ग्राम सेवक जी ने बोला कि भाई अगर किसी का रह भी जाता है तो आप आएँ, हमें बताएं, हम जाके निरीक्षण करके उनका भी जुड़वाएंगे। तो एक जागरूकता के तहत कि लोग आएँ और अपना लें, क्योंकि बाद में जब नहीं मिल पाता है, लोग आते हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। लगभग ये 10 से 12 गाँव हैं, ये कैमूर साइड से उठा था, सिमरा गाँव है, यदवीर नगर है, रैगमा है, घनमारा का कुछ पार्ट है, परसवारा है, कुसेड़ी है, महेदर है, गोरैया है, भमराहा है, रोहनिया है, तो तमाम क्षेत्र हैं। और ऐसा नहीं है कि 100% नुकसान हुआ है, पर 60 से 70% लोगों का नुकसान हुआ है। जो गिरी है किसानों को वास्तविकता नुकसान हुआ है उसमें लोगों को मिले, भेड़ चाल ना चली जाए कि सामूहिक रूप से सबको मिल जाए और जो बेचारे वास्तव में जिसका नुकसान हुआ उसको चंद पैसा मिले और उसका नुकसान ज़्यादा हो गया है।